नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के छपरा जिले में भी आरोपियों के घर पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर के साथ घर के खिड़की और दरवाजों को तोड़ा जा रहा है। इसमें फरारियों के विरुद्ध कांड संख्या 75-21 अभी तक कोई दो गिरफ्तारी नहीं हुई, बाहर चल रहे हैं। पुलिस आदेशानुसार कुछ कार्रवाई की जा रही है। अगर इसके बाद भी अगर हाजिर नहीं होते हैं तो आगे कार्रवाई क्या होगी? आगे कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। बालू कारोबारी और उसके भाई के हत्याकांड के आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बालू कारोबारी सोनू राय की वर्चस्व की लड़ाई में 25 मार्च 2021 को हत्या कर दी गई थी। इसमें आक्रोशित लोगों ने आगजनी भी की थी। हत्या के बाद मृतक के पिता सुदेश राय ने 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। इसमें 2 अभियुक्त हाजिर हुए। फरार अभियुक्त जितेंद्र राय और विकास राय के घर का कोर्ट ने कुड़की का आदेश दिया था। जिला प्रशासन ने कुड़की के साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। बालू व्यवसायी सोनू राय के हत्या के 1 वर्ष बाद उसके बड़े भाई संजीव कुमार की भी इसी 28 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में स्थानीय थाने में संजीव के पिता सुदेश राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि सोनू हत्याकांड के केस को वापस नहीं करने पर अभियुक्तों ने धमकाया था। उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अर्थात मेरे दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी गई। दोनों भाई के हत्या के बाद परिवार अब बेसहारा हो गया है। पूरे प्रकरण में बालू व्यवसाय में आपसी वर्चस्व को लेकर हत्या के घटना को अंजाम दिया गया। वहीं छपरा में ज्वेलरी दुकानदार के साथ लूट के बाद दुकानदार से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में बुलडोजर मॉडल के जरूरत की बात दोहराई थी। मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बिहार में भी योगी जी वाले बुलडोजर मॉडल की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार अपराध को रोकने में सक्षम है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कटाक्ष करते हुए योगी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। वहीं इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। ये जो कार्रवाई होता है वो न्यायालय के आदेश पर होता है और न्यायालय के स्तर पर यदि आदेश दिया जाता है और सरकार हम सहयोगी हैं, जो कार्रवाई होना चाहिए उसमें होता ही है और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर हमारे राजस्व मंत्री ने कहा है कि उनका कहना है कि जो अवैध काम करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।